हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? सो उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे ना। मेरी तरफ बढ़िया रहना। और मैं आ चुका हूँ आपका अहमद राइडर एक न्यू व्लॉग लेके आपके लिए। आज अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस है, जो कि अपनी 700 है, उसके बाद सर्विस है फर्स्ट। इंदिरा वगैरह में इसकी सर्विस वगैरह नहीं होती है, तो हमको जाना पड़ेगा गांधीधाम के लिए। तो वहाँ पे चलते हैं, अभी शूट वगैरह करते हैं और चलते हैं अभी वहाँ पे अपनी सर्विस है, देखते हैं कैसे सर्विस वगैरह होती है। तो हमको जाना पड़ेगा गांधीधाम वहाँ पे महिंद्रा के शोरूम में। तो मिलता है आपको सीधा कार में। बाहर निकलने वाले हैं भाई, जा रहे हैं वहाँ पे गांधीधाम में सर्विस करानी है गाड़ी की। और देखते हैं, बहुत लेट हो गए हम वैसे भी, तो देखते हैं वहाँ पे कैसा क्राउड वगैरह है, कैसी गाड़ी आई सर्विस वगैरह में। सो वहाँ पे जाएंगे तभी पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी आज तो ट्रैफिक भी बहुत होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि सुबह का टाइम ना, तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी रहता है वहाँ पे। थोड़ा ही दूर है, मतलब कोना से तो इतना दूर नहीं होता। जहाँ पे मैं रहता हूँ ना मुंद्रा वगैरह से, वहाँ पे बहुत दूर रहता है ये। तो जाने वाले वहाँ पे देखते हैं कैसे ट्रैफिक वगैरह। मुझे लगता है आज नाका भी लगा होगा शायद। तो फिर यहाँ से राइट लेते हैं, जो कि आदिपुर की तरफ जाता है वहाँ पे। तो यहाँ से राइट लेते हैं भाई। तो अभी तो थोड़ा ही ये पूरा आदिपुर देखना कैसा है भाई। ये देखो यहाँ से ना पूरा आदिपुर वगैरह वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मतलब जो ट्रैफिक वगैरह है ना वो पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई। आज वेदर भी सही है एंड गाड़ी चलाने का कुछ फील ही अलग होता है ऐसे रोड पे। वहाँ पे देखो ट्रैफिक वगैरह कैसा है, ट्रैफिक तो बहुत रहने वाला है भाई। ऐसी बड़ी सिटी में ना ट्रैफिक बहुत रहता है। अभी फर्स्ट ना आदिपुर आने वाला है, और आदिपुर से जाएंगे सीधा गांधीधाम में। इसकी सर्विस वगैरह जो कि महिंद्रा का शोरूम है वहाँ पे। आदिपुर का ये फर्स्ट सर्कल है भाई, यहाँ से जाएंगे राइट की तरफ। तो फर्स्ट सर्कल यहाँ पर मिलता है भाई आदिपुर के वहाँ पे। तो यहाँ पर ही देख सकते हो भाई, ये देखो बीच में से कैसे काट रहे हैं। ये देखो भाई बहुत है यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह। तो अभी यहाँ से हम राइट लेंगे, ये आदिपुर का फर्स्ट सर्कल है। और ये देखो भाई, मुझे सबसे प्यारा ना यही रोड लगता है भाई। ये तो एकदम खुला रोड है, सिटी वगैरह में ऐसे रोड होने चाहिए जो कि अलग से होने चाहिए रोड वगैरह। यहाँ पर जो ट्रैफिक वगैरह का इशू होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। पुलिस की गाड़ी वगैरह तो बहुत जा रही है, बट यहाँ पे नाका नहीं, पता है नाका नहीं लगा हो तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता है, वहाँ पे जो फाटक का वहाँ पे आता है ना, वहाँ पे बहुत रिस्की रहता है। वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है जब अपन वहाँ से जाते हैं ना, फाटक वगैरह क्रॉस करते हैं तब। ये देखो यहाँ पे पुल वगैरह बन रहा है, सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता है यहाँ पे। सो यहाँ से निकलेंगे आप लेफ्ट की तरफ से। सो यहाँ पे देखते हैं भाई, इतना भी नहीं है, मतलब छोटा सा ही रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ेगा अभी तो। ये देखो भाई, ये देखो छोटी सी कार फ्रंक्स यहाँ से जा रही है, ठीक है। देखो भाई पूरा सा ये ना बड़ा वाला ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, नीचे से ट्रेन वगैरह जाती है। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा नाका यहीं पे लगा होता है, मेरे को यही डर था, लेकिन अभी तो नहीं लगा है। लेकिन ये ब्रिज देखो बहुत वहाँ तक लंबा जाएगा, जो कि बाईपास होगा यहाँ से। सो अभी जाते हैं वहाँ पे, शोरूम थोड़ा सा ही दूर है। यहाँ पे ये ट्रैफिक देखो भाई, एकदम ब्लॉक होकर रखा है भाई रोड वगैरह। ये देखो भाई है ना, मतलब धीरे धीरे से गाड़ी जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत जाम रहता है ये ट्रैफिक वगैरह भाई, अभी भी जाम है भाई यहाँ पे। लगता है नाका लगा होगा शायद, एंड शोरूम जस्ट सामने ही है। सो भाई ये रहा भाई, यहाँ से एंटर होते हैं। पहले जो शोरूम आता है ना वो किया का आता है यहाँ पे, किया के बाद वहाँ पे देख सकते हो महिंद्रा का शोरूम है। ये देखो भाई किया की जो न्यू कार्स वगैरह आती है ना, वो यहाँ पे लगती है। ये देखो न्यू सेल्टोस खड़ी है यहाँ पे, सोनेट खड़ी है न्यू। ये देखो अभी यहाँ पे पीछे सर्विस स्टेशन है इनका किया का, और आगे देखो भाई यहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं इसके जो मतलब शोरूम है ना महिंद्रा का वहाँ पे। और यहाँ पे देखना बहुत सारी कार भी खड़ी होंगी। तो फाइनल गाइस यहाँ पर पहुँच चुके हैं शोरूम पे, यहाँ पे देख सकते हो आप। एंड यहाँ पर अपनी कार भी लगा दी है, ये देखो भाई अपनी कार लगा दी है यहाँ पे। और यहाँ पर देखो भाई ऐसी बहुत सारी कार यहाँ पे खड़ी है, और यहाँ पर एक अच्छी खासी पार्किंग मिली थी तो मैंने कार यहाँ पे लगा दी। और ये भी साथ आया है, क्या नाम है तेरा? जाकिर हुसैन, ये मेरा छोटा भाई है। तो भाई यहाँ पे इसका सर्विस स्टेशन है, अंदर जाएंगे अभी कार को सर्विस स्टेशन के अंदर लगाएंगे। और यहाँ पे ये देखो भाई अंदर एक 400 खड़ी है, और वहाँ पे भी एक 400 खड़ी है। सो मैंने एक रिव्यू तो बना दिया है भाई, वो चेकआउट कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वो मेरे दूसरे चैनल पे। तो अभी सर्विस स्टेशन के वहाँ पे जाते हैं भाई, यहाँ से आवाज़ बहुत आ रहा है सर्विस स्टेशन वगैरह का। तो भाई अभी बाहर खड़े हैं भाई पार्किंग वगैरह पे वहाँ पे, और गाड़ी का भाई अभी नंबर नहीं आया, अभी बहुत देर लगेगी अभी गाड़ी का टाइम आने को।
और पहले से बुकिंग करानी होती है, तो हमने बुकिंग तो करा दी थी लेकिन हम ना लेट हो गए थे। सो बहुत टाइम हो गया हम लेट हो गए थे, तो कार यहाँ पे बाहर ही खड़ी है। सो वहाँ पे लेके जाएंगे जब अपना नंबर आएगा तब सर्विस स्टेशन में। अपनी गाड़ी का एक कार्ड बनने वाला है। सो अभी बहुत सारी कार भाई सर्विस में बोल रहे हैं कि आज तो सर्विस में बहुत है, मतलब अपनी कार की बहुत वेट लगेगा। वहाँ पे कार लगा दिए भाई, अभी बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे भाई। बहुत देर से यहाँ पे वेट कर रहा था अपनी कार, वहाँ पे जो पीछे महिंद्रा का शोरूम है वहाँ पे रख दिया है। सो अभी वेट कर रहे थे, सो अभी बोल रहे हैं टाइम लगेगा, अभी लंच टाइम है तो सब लंच के बाद ही अपना टाइम होगा, लंच के बाद अपनी कार लगेगी वहाँ पे। सो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, अभी घूम के आते हैं। सो अभी लगने वाली है भाई सर्विस पे अपनी गाड़ी, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ये थार देखो भाई कहाँ चढ़ा रखी है भाई, ये देखो भाई है ना, अभी अपनी गाड़ी भी ऐसे ही चढ़ेगी यहाँ पर। सो अभी लगवाते हैं पार्किंग में, और ये गाड़ी ना पूरी ऊपर उठाएंगे भाई, अब पूरी ऊपर उठने वाली। ये जो जैक देख रही है वो पूरा चेसिस पे लग गया, जैसे ये जो भी लगा हुआ ना चेसी में थार के अंदर वैसे यहाँ पे लगेगा, और थार की तरह ये भी ऊपर हवा में होगी। और इसकी जो अंदर के ऑयल वगैरह वो चेंज करेंगे। सो यहाँ पे कार देख सकते हो, एंड बहुत भाई गर्म होकर रखी है, बाहर रखी थी ना धूप में। सो अभी अंदर लिया इसे, सो अभी इसे ऊपर उठाएंगे भाई। मैं थार के नीचे से घूम रहा हूँ भाई, दे देखो कभी भी गिर सकती है, मतलब ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो भाई अपनी कार लगी रही है। सो अभी गाड़ी में जो DEF फ्यूल आता है वो अभी चेंज होने वाला है पूरा, मतलब इसमें थोड़ा बहुत पड़ा है, जैसे इसकी टैंक वगैरह आती है वो 20 लीटर की आती है, और इसमें थोड़ा बहुत पड़ा है मतलब, तो अभी इसमें 16 लीटर का डला के चेक करते हैं कितना इसमें आता है। तो प्रॉपर पहले ये डल रहे हैं वो 10 लीटर का है, और उसके बाद 6 लीटर का अलग से डालेंगे, और प्रॉपर चेक करेंगे कि इसमें कितना कुछ पड़ा है, ठीक है। अभी डाल रहे हैं इसमें 6 लीटर का। सो भाई अभी जैक लगने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे जैक लग रहा है। सो इस साइड का बाकी उस साइड का लगा रहे हैं फर्स्ट भाई। ये देखो थोड़ा सा ऊपर उठाया, अभी थोड़ा बहुत कर करके पूरे ऊपर उठा देंगे इसे। सो क्योंकि इसका जो ऑयल वगैरह वो प्रॉपर तरीके से चेंज करेंगे इसमें। ये देखो भाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, ये देखो भाई बहुत ऊपर जा रही है। इसका बोनर वगैरह भी ओपन कर दिया है। टच ना हो जाए तो सही है भाई ऊपर वहां पे। ये देखो भाई जैक वगैरह पूरा चेसिस में लगा दिया है भाई ना, एकदम ऊपर थोड़ा ही बचा है भाई यहाँ पे। सो अभी नीचे की देखते हैं भाई। भाई ये देखो भाई नीचे इसका पूरा सिस्टम कैसा है। सो भाई अभी ऊपर लटका दिया गाड़ी को, सो अभी सर्विस वगैरह होने गाड़ी के, तो अभी चलते हैं बाहर वहाँ पे थोड़ा सा घूमने चलते हैं भाई यहाँ पे। तो अभी सर्विस तो होती रहेगी, सर्विस को थोड़ा बहुत टाइम है, अभी गाड़ी को वॉशिंग वगैरह भी होगा। देखो भाई अभी इसका जो ऑयल वगैरह है वो सारा चेंज हो चुका है, अभी लग रही है वॉशिंग में। हॉर्न देखो भाई। सो भाई ये देखो भाई भाई स्पीड में बहुत चलाते हैं यहाँ पे। सो अभी अपनी गाड़ी जा रही है वॉशिंग में गई है भाई। सो वहाँ पे देखते हैं वॉशिंग में। सो ऑयल वगैरह जो उसका सीन था वो सारी चीज़ें चेंज हो गई, और सिर्फ इसके वॉशिंग बाकी थी। वॉशिंग अभी करने वाले हैं कार की। अभी यहाँ पर बैठा था तो यहाँ पर ये देखो कार अभी चार्जिंग पे लगी पड़ी है भाई। 400 जब से मैं आया हूँ तब से ये चार्जिंग पे लगी पड़ी है, और तो मेरे को तकरीबन भाई 4 घंटे हो गए मेरे ख्याल से तो यहीं पर ही हूँ, लेकिन ये अभी भी चार्जिंग पे लगी पड़ी है भाई, ठीक है। तो चार्जिंग इलेक्ट्रिक ने कहा ना यही प्रॉब्लम रहता है इलेक्ट्रिक का भाई। अभी पूरी गाड़ी खुल चुकी है, और यहाँ पर ये जो कचरा वगैरह दिख रहा है ना पूरा साफ होगा जो भी होगा भाई, ये इससे पूरा सफाई होगी गाड़ी में, और जहाँ पे भी धूल मिट्टी वगैरह होगी ना वो पूरी निकल जाएगी, जो भी ये कचरा देख रहे हो वो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। फाइनल गए जब सर्विस में लगने वाली है गाड़ी। फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला था, मैंने लगा दिया यहाँ पर चार्जिंग में, और अभी गाड़ी का टाइम आने वाला है भाई, जब ये निकलेगी ना या टेम्पो निकलेगी ना तो अभी इसके अंदर लगा देंगे भाई गाड़ी को वॉशिंग के लिए। अभी गाड़ी में ही बैठा हूँ मैं तो। जो वॉशिंग वगैरह थी वो हो चुकी है, अब इसको पॉलिश कर रहे हैं गाड़ी के अंदर सारी चीजें। सो फाइनली गाइस यहाँ पे अपन की जो गाड़ी की जो सर्विस है वो हो चुकी है। अभी इसमें जो कैमरा वगैरह का लगाना था वो थोड़ी बहुत एसेसरीज वगैरह वो लगानी है अभी। सो अभी यहाँ पर लगाते हैं भाई एसेसरीज में, जो इसमें वायरिंग वगैरह का जो सिस्टम है वो अभी वायर डलेगा इसमें, और यहाँ से वायर पीछे यहाँ से कनेक्ट होगा। पीछे अपन को यहाँ पे कैमरा लगाना है जो कि यहाँ पर जगह मिलती है इसकी। ये देखो भाई यहाँ से वायर डलेगा, और ये देखो अभी कैमरा मैं दिखाता हूँ आपको। सो इस पाउच में कैमरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, और दूसरा भी चेक करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं कैसा है भाई। ये देखो भाई पूरी खुल चुकी है, यहाँ से ये जो गैप दिख रहा है ना यहाँ पे कैमरा लगेगा भाई अंदर की साइड से, ये देखो पूरा खुल चुका है भाई यहाँ पर। ये देखो ये भी लगा दिया भाई, इससे जो कीचड़ वगैरह आता ना वो पूरा यहाँ पर उतरा है। ये देखो अभी वॉश किया फिर भी उड़ा है, तो ये बचा था उससे। यहाँ पर देख सकते हो चारों साइड पे लगा दिया है,
और यहाँ पर अभी कैमरा भी फाइनल होने वाला है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कैमरा। सो फाइनल गाइस इसका जो कैमरा वगैरह है वो देख सकते हैं, यहाँ पे बैक कैमरा है वो यहाँ पे लगा दिया हमने, और इसके अभी प्रोग्रामिंग करानी पड़ेगी भाई लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करके, और अभी हो नहीं रहा ऑन इसमें तो लैपटॉप से ऑन होगा। सो देखते हैं अभी स्टार्ट करते हैं। सो भाई ये देखो लैपटॉप से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और अभी ये कैमरा भी ऑन हो जाएगी थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पर कैमरा वगैरह भी अब आने लगा है, ये देखो भाई है ना, छोटा एंड बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से, ये अभी अंदर है तो इसलिए क्वालिटी नहीं है इतनी, दिखाई नहीं दे रही है। सो चलते हैं अभी कार को लेते बाहर। सो फाइनली गाइस अभी घर पे हूँ, सो रात को पहुँचा था घर पे, तो मैंने सोचा यार वीडियो का एंड सुबह की करता हूँ, तो अभी एंड करने वाला हूँ वीडियो को, और क्या कॉस्ट वगैरह आई वो दिखाता हूँ आपको। सो टोटली जो सर्विस वगैरह का कॉस्ट था वो तो इतना नहीं आया, जो हमने रिवर्स कैमरा डाला है उसका भी थोड़ा बहुत आया, समझ लो दिखा देता हूँ आपको। मेरा बिल भाई अपना जो बिल आया है 6413 का बिल आया है, मतलब वो जो सर्विस कॉस्ट है वो ऑयल वगैरह चेंज हुआ, फ्यूल आता ना वो जो लास्ट में लगाया वो उसका, और दूसरा जो अपन ने कैमरा वगैरह डाला है वो तो अपन ने वहाँ पर दिया था। सो कैमरा भी बहुत अच्छा है भाई, हमने कैमरा वगैरह भी चेक किया, उसमें बहुत टाइम लग गया, एंड जो लाइट वगैरह नहीं थी ना इसलिए भाई सर्विस वगैरह में बहुत टाइम लग गया था। तो मेरे पास कैमरा दिखा देता हूँ आपको, ये देखना, ये देखो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखो इस पर ये जो सेंसर आते हैं ना वही है रिवर्स के, इसके अंदर भी आते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पर ही आते थे यहाँ पर नहीं आते थे, तो अभी जब कैमरा डला है तो यहाँ पर भी आ रहा है। वो देखो बाहर अपनी बाइक खड़ी है वो दिखा रहा है, यहाँ पर जो पीछे का व्यू है वो दिखा रहा है, तो बहुत अच्छा कैमरा है भाई। सो बस यही था इसकी सर्विस वगैरह, और यही थी सर्विस कॉस्ट वगैरह, और सर्विस भी बहुत अच्छी थी भाई, एंड सर्विस में बहुत मज़ा आया भाई, बहुत अच्छी सर्विस कर दी है, एंड वहाँ के बंदे भी बहुत अच्छे थे भाई, मैं जैसा बोलता था वैसे करते थे। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।